मैं हूं नंद किशोर जोशी, क्रांति उड़ीसा का एग्जीक्यूटिव एडिटर, क्रांति उड़ीसा वेब टीवी। आज मैं आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूं संपूर्ण एक नए विषय को लेकर। विषय का नाम है कटक शहर में बोटिंग क्लब का उद्घाटन, सिल्वर सिटी बोटिंग क्लब का उद्घाटन। हम लोग सब जानते हैं कि हर साल 14 अप्रैल को उड़ीसा में नया वर्ष के रूप में उड़ीसा सरकार, उड़ीसा के लोग इसे मनाते आए हैं। उड़िया पांजे के हिसाब से इनका नया साल आरंभ होता है, शुभारंभ होता है 14 अप्रैल से हर साल। इसी उड़िया नववर्ष के उपलक्ष्य में उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक नया कटक शहर में एक मतलब पर्यटन के इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ा है। उन्होंने सिल्वर सिटी बोट क्लब का उद्घाटन किया है। ये जो सिल्वर सिटी बोट क्लब है, ये महानदी के तट पर, महानदी के अंदर थोड़ा सा अंदर में भाग में माता मठ के पास ये सिल्वर सिटी बोट क्लब का गठन हुआ है। इसे गठन किया है उड़ीसा टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने। 2 करोड़ की रुपये की लागत से इसका गठन हुआ है। इससे फायदा ये है कि आज कटक शहर के लोग और कटक के आसपास के जिलों के लोग, जो लोग मतलब पर्यटन को बढ़ावा देना चाहते हैं, पर्यटन का आनंद लेना चाहते हैं, वे सब आके यहाँ पर बोटिंग क्लब का मतलब मजा ले सकते हैं, आनंद उठा सकते हैं। ये जो बोटिंग क्लब हुई है, इसका उद्घाटन समारोह में हमारे कटक के उस समय समारोह में उपस्थित थे माननीय सांसद सुभाष सिंह, माननीय सांसद लोकसभा भर्तृहरि महताब, 14 कटक के विधायक सौभिक बिस्वाल, उड़ीसा के टूरिज्म मिनिस्टर, OTDC के बड़े उच्च पदाधिकारी एवं उड़ीसा सरकार के अनेक पदाधिकारी तथा कटक के कलेक्टर भवानी शंकर चाइनी, ये लोग सारे उच्च पदाधिकारी, अधिकारी एवं नेतागण की उपस्थिति में उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने भुवनेश्वर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस सिल्वर सिटी बोटिंग क्लब का उद्घाटन किया था। अब मैं आ रहा हूँ कि इसकी कुछ विशेषताएँ आपके सामने रखूँ। इसमें विशेषता यह है कि इसके अंदर में मतलब बोटिंग होगा, पैडल बोटिंग भी होगा, स्पीड बोट होगा, जैसा हम लोग हिंदी फिल्म में देखते आए स्पीड बोट, पैडल बोट जो नंदन कानन में लोग जो जाते हैं, सैलानी लोग वो पैडल बोट करते हैं, वो भी यहाँ पर रहेगी। इसके साथ में स्पीड बोट जो सिनेमा में देखते हैं, हिंदी सिनेमा में, वो भी रहेगी। इसके साथ में यहाँ पर कैफेटेरिया होगा, फ्लोटिंग रेस्टोरेंट होगा, टॉयलेट की सुविधा होगी, पार्किंग की सुविधा होगी, स्कूबा ड्राइविंग होगा, इस वाटर स्कूटर होगा और अनेक वाटर स्पोर्ट्स भी यहाँ पर किए जाएंगे सैलानियों के लिए। और सैलानी इसे देखकर बहुत आमोद प्रमोद उठा सकते हैं, उसका बहुत ज़्यादा लुत्फ उठा सकते हैं। पार्किंग की सुविधा भी यहाँ रहेगी। जो हम लोग ये जो गठन हुआ है, ये माता मठ के पास महानदी के अंदर गठन हुआ है सिल्वर सिटी बोटिंग क्लब, और जोबरा स्थित जो है मेरीटाइम म्यूजियम भी इसके पास में है। लोग सब जो आके कटक शहर में भी, एक्चुअली हजार साल का कटक शहर हो गया है, लेकिन यहाँ वास्तव में कटक शहर के अंदर या कटक शहर के आसपास कोई घूमने फिरने की सुविधा नहीं थी। जो लोग भी बाहर से कटक में आते हैं, वो लोगों की चाहत रहती है कि कटक शहर में कुछ थोड़ा बहुत घुमा फिरा जाए, लेकिन यहाँ पर कोई घूमने फिरने की कोई खास व्यवस्था नहीं थी। ये सिल्वर सिटी बोट क्लब होने से आम लोगों को, बाहर के लोगों को भी घूमने फिरने की सुविधा भी हो जाएगी, बोटिंग का आनंद भी आ जाएगा। यहाँ एक सेल्फी जोन भी है, इस सेल्फी जोन से लोग जाके, वहाँ पर व्यू पॉइंट है, सेल्फी जोन है, लोग जाके, खासतौर पर युवा लोग जाके वहाँ पर सेल्फी ले सकते हैं, मनोरंजन कर सकते हैं। मनोरंजन का एक बहुत बड़ा उपक्रम उड़ीसा सरकार द्वारा कटक के माथा मठ के पास महानदी के अंदर में ये किया गया है। आशा है कि ये बहुत चलेगा और इसी का अनुकरण करते हुए उड़ीसा में भी अनेक जगह पर वाटर स्पोर्ट्स, दुसाहसिक वाटर स्पोर्ट्स, स्कूबा ड्राइविंग, स्कूटर, वाटर स्कूटर वगैरह जो यहाँ पर दिए गए हैं, उससे लोग, यहाँ की जनता, यहाँ की स्पोर्ट्स पर्सनालिटी, सभी लोग इसका बहुत आनंद उठाएंगे, लुत्फ उठाएंगे। और सरकार की सहायता से ये जो बना है, OTDC ने बनाया है, इसका भरपूर आनंद लेंगे। धन्यवाद।